अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा 2012 में मेरी निकाह हुआ था शाहीन नगर। इसकी सदारत रहमत खान नदरलैंड फूड कॉरपोरेशन है। मेरे ये ससुरे साहब है, ये जो है ना इनके ज़ेर सरपरस्ती में ये काम हुआ था। इसके बाद 1.5 साल तक मेरे साथ इन्होंने अच्छा रहे। उसके बाद एक बेटा है मेरे को, मैं मोहम्मद शरीफ उद्दीन हूँ, नामपल्ली में रहता हूँ। 1.5 साल तक मेरे को इन्हों ठीक रहे, उसके बाद से अपने घर में मेरे को टॉर्चर करके लेके चले गए। मैंने रहा तो वहाँ से भी टॉर्चर करे मेरे को करके, बाद में फिर समझ नहीं इनको क्या खुला दे दो बोल के बताए इन्हों मेरे को। 1.5 साल से 2012 से 1.5 साल अच्छा रहे मेरे साथ। इसके बाद इन्हों मेरे को 2 साल के बाद से मेरे को खुला के टॉर्चर करने लगे। ठीक है बोल के डोरी केस डाल दिए। 12-20 लाख का मुतालबा कर इन्हों 2013-14 में डाल दिए। वही अच्छा, आप लोग अलग है। उसके बाद फिर खामोश हो गए। एक बेटी है मेरे को 8 साल की और एक बेटा है 7 साल का मेरे को। उसके बाद अब ये डोरी का इसका मुतालबा बीच में ठंड छोड़ दिए, खामोश बैठ गए। फिर आज जो मैं कोर्ट की तरफ से तो मेरे फेवर में हुआ, बेटे बच्चों का भी और बेटी का डोरी केस का भी। इसके बाद इन्हों कोर्ट को आना बंद हो गया। फिर कोर्ट इजाज़त दी बच्चों से मिलने की, तो इन्हों घर पर नहीं है बोल के बार बार मेरे को 9-8 साल से मेरे को बच्चों से नहीं मिला है। ठीक है, मैं मान ले खामोश बैठा। आज जब मैं घर से निकल रहा हूँ, जोहर अदा करके मैं जब निकल रहा हूँ, मेरे भाई एक फ्रेंड का इंतकाल हो गया, मैं निकल रहा हूँ तो चलो भाई खुला की बात करने का है, खुला चलो खाजी साहब के पास आ गया। मैं खुला हंसी खुशी खुला दे दे रहा हूँ था इनको। देने के बाद इन्हों क्या करें, खाजी साहब बोले आप बच्चों से मिले अब तक। मैं बोला खाजी साहब अब तक मैं बच्चों से नहीं मिला तो मेरे को आप इसकी इजाज़त होना, बोले तो आप क्या बोले एक नोटरी बना लो भाई, नोटरी बना लो, नोटरी में आप ये मेंशन कर लो कि बच्चों को मेरे को फलाना दिन मिलने का मौका मिल जाना। अच्छी बात है, ठीक है, बल्कि मैं बच्चों से मिलने की इजाज़त के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाहर निकल के एक नोटरी बनाने के लिए खाई साहब इजाज़त दिए, आप झट जाके मेरे ऊपर अटैक कर दिए साहब, मेरी बीवी, मेरे सास, मेरे ससुरे और जो है मेरे एक मामू ससुरे। इस कहाँ पे वो अटैक किया आपने? ये सदर खाजी गोलकुंडा किला। कितने बजे हुआ ये? 5:30 बजे के दरमियान में, 5 से 5:30 के दरमियान में हुआ। ये है मेरे ससुरे जो है ना, मेरे वालिद नहीं है, मेरे वालदा नहीं है, मेरी सरपरस्ती करने वाले बोल के मेरे को आप जो है ना रहमत खान है इनका नाम, मंडी में दुकान है इनकी, चावल की मिल है इनकी दुकान है मीरालम मंडी में खाजा खान के नाम से। इन्हों मेरी भी सरपरस्ती करता हूँ बोल के बताए। इसके बाद इन्हों अपना अलहदा करने की बात कर दिए, मैं नहीं पहचानता हूँ भाई उनको साफ बता दे रहे, ऐसा कर दिए मेरे साथ। आज देखे तो ये हादसा कर दिए पूरा, मेरे को टाके लगे भाई, मेरे को टाके है पूरा। कंप्लेन दिया मैं गोलकुंडा पीएस में दिया मैं, एक्नॉलेजमेंट लेटर है मेरे पास। अब उनको बुलाए तो उन लोग आए नहीं। उन लोग पुलिस क्या दिया अभी आपको, पुलिस की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन है? कुछ भी नहीं, बस एक्नॉलेजमेंट लेटर दिए, मैं उन लोगों को बुलाता हूँ बोले, उसके बाद से फिर कार्रवाई करता हूँ बोले। उसके बाद कुछ जवाब नहीं आया, कल सुबह का वक्त लिए इन लोगों। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई हो गया खुला, ठीक है, मेरे बच्चों से तो मिलने की इजाज़त मेरे को शरायत एतबार इजाज़त देती है ना साहब, बच्चों से तो मिलने की इजाज़त है ना। आप सरपरस्त बने, आप सरपरस्त बने, सरपरस्त रह के काम करना ना, आपका काम है ना, मेरे को इजाज़त ही नहीं दे रहे उन्हों मिलने की। तेरी छाव ने पढ़ना बता दे रहे बच्चों से, अटेम्प्ट टू मर्डर मेरे पर ऐसा वो काम करें अब भी थर जा तेरा मर्डर कर देती हूँ बोल के बता। मेरे सास, मेरी बीवी, मेरे ससुरे, मेरा मामू ससुरे शाहीन नगर में रहते हैं लोग। पलटो पूरा आशीष, थोड़ा पीछे मंडी ऐसा करो पीछे। कुछ टाके लगे? टाके लगे भाई। कितने टाके लगे? क्या है कि टाके तो लगे,